स्वागत है आपका दोपहर प्राइम टाइम देख रहे हैं आप और अब बात करेंगे गुजरात में ऐतिहासिक और रिकॉर्ड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 की लड़ाई की प्लानिंग में जुट गए हैं। 24 के आम चुनाव से पहले 9 विधानसभा चुनाव होने हैं। मोदी को इन मोर्चों पर भी जीत हासिल करनी है। भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण में जो मेहमान पहुंचे थे वो यूं ही नहीं आए थे, मोदी ने उन्हें खाली हाथ वापस नहीं भेजा। सबको उनके हिस्से का काम बांट दिया गया है। किस नेता को किस मोर्चे पर लगना है, किसे क्या रोल देना है, सब कुछ मोदी ने अभी से फाइनल कर लिया है। तैयारी मोदी विरोधी भी कर रहे हैं। 24 की महाभारत कैसी होगी और उसमें गीता ज्ञान मोदी के कितने काम आएगा, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। टीम ऐसी है, टीम का लीडर ऐसा है जो झुकना जानता है। और इस टीम की गाइड बुक है गीता। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। 2022 के आखिरी महीने में ये मोदी की टीम का लास्ट डिस्प्ले। तो 2024 के लिए नरेंद्र मोदी की टीम कैसी होगी, मोदी की टीम में गुजरात के कितने खिलाड़ी होंगे, कप्तान नरेंद्र मोदी ही होंगे, उप कप्तान कौन होगा, चौबीस के फाइनल में सबसे बड़ा रोल किसका होगा, क्या फाइनल में भी गुजरात का एक बड़ा नेता होगा। गुजरात में मोदी की 11वीं स्टेट टीम बनकर तैयार हुई है। भूपेंद्र पटेल को मोदी ने गुजरात टीम का कप्तान बनाया है। गुजरात टीम का डिस्प्ले करने के लिए नरेंद्र मोदी ने अपने सभी टीम्स के कैप्टन्स को बुलाया। बारह मुख्यमंत्री, 5 राज्यों के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी पार्लियामेंट बोर्ड के सभी मेंबर्स को साथ लेकर मोदी ने 24 की शुरुआत की है। 18 महीने बाद जिस यज्ञ की पूर्णाहुति होगी उस अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा खोल दिया गया है। जो उसकी लगाम पकड़ने की कोशिश करेगा उसे टीम मोदी से लड़ना होगा। 24 के लिए मोदी की इन्हीं टीमों में से लड़ैया चुने जाएंगे, जो चुनाव लड़ेंगे भी और लड़वाएंगे भी। गांधीनगर में जो जो आए उसी से 2024 की कोर टीम बनेगी। मोदी की कोर टीम में कौन किस रोल में होगा ये खुद मोदी डिसाइड करेंगे। यूपी में कप्तान योगी आदित्यनाथ होंगे, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का लीड रोल होगा, पूर्वोत्तर में हेमंत बिस्वा सरमा भगवा ध्वज संभालेंगे, दक्षिण का दुर्ग बीएस येदियुरप्पा संभालेंगे। गांधीनगर में आज मध्य प्रदेश और राजस्थान की टीम को ज्यादा तवज्जो मिली। वजह सिंपल है, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अगले ही साल चुनाव है। राजस्थान का रिवाज है अगले साल कांग्रेस की सरकार जाने वाली है। मध्य प्रदेश में शिवराज के हाथ में कमान है, टीम मोदी को यकीन है एमपी में फिर से भगवा छाने वाला है। हिंदुस्तान की सियासत का रंग आज ऐसा है, 16 राज्य और 65% से ज्यादा आबादी वाला इलाका भगवा भगवा है। 24 में मोदी क्या इसे इतना बदल देंगे। बिहार, झारखंड, बंगाल और हिमाचल प्रदेश का रंग भगवा में बदलेगा। राजस्थान और छत्तीसगढ़ क्या 24 से पहले ही भगवा रंग में रंग जाएगा। 24 के लिए मोदी की जो टीम बनने वाली है उसमें कितना दम है, सबसे पहले इसकी ताकत देख लीजिए। 12 मुख्यमंत्री, 5 उप मुख्यमंत्री, 16 राज्यों में सरकार, 77 केंद्रीय मंत्री, लोकसभा के 302 सांसद,
राज्यसभा के 92 सांसद और पूरे देश में 1,394 विधायक। मोदी की टीम के फाइनल सिलेक्शन से पहले ऐसी बेंच स्ट्रेंथ तैयार हुई है, स्टेट वाइज इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लीजिए। अकेले यूपी में 64 सांसद और 255 विधायक, गुजरात में 26 सांसद और 156 विधायक, मध्य प्रदेश में 28 सांसद और 130 विधायक, राजस्थान में 25 सांसद और 73 विधायक, कर्नाटक में 25 सांसद और 119 विधायक, महाराष्ट्र में 23 सांसद और 106 विधायक, बिहार में 17 सांसद और 77 विधायक, बंगाल में 18 सांसद और 75 विधायक, असम में 9 सांसद और 63 विधायक। इतनी बड़ी टीम के सर्वमान्य कैप्टन नरेंद्र मोदी हैं, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। दिल्ली एमसीडी का चुनाव जीत, इतना बड़ा कप्तान फिर भी जनता के लिए ऐसा सम्मान। नरेंद्र मोदी जब 24 के अभियान का आगाज करेंगे तो कांटा 302 से शुरू होगा। जैसे जीत गुजरात में मिली है, अगर वो पूरे देश में रिपीट हो गई तो मोदी 400 से ज्यादा सीट जीत सकते हैं। कम से कम बीजेपी के नेता ऐसा दावा करने लगे हैं। मोदी आज ऐसे व्यक्तित्व का नाम है जो आज गुजरात की जीत मोदी के विश्वसनीयता की जीत है। पूरे लोगों ने जा जा के गालियां दी और गुजरात की जनता ने टोकरी में भर भर के मोदी को वोट दिया, और आज पूरे देश में आने वाले दिन में 2024 का चुनाव आएगा, मोदी को पूरे भारत के लोग गुजरात की तरह ही विकास के लिए और सामाजिक सांस्कृतिक विरासत को ऊंचा करने के लिए और भारत के विश्वसनीयता को पूरी दुनिया में तिरंगा झंडा को फहराने के लिए मोदी को ही भर भर के, जैसे गुजरात में दिया है, 24 में भी लोग विजय बनाएंगे। अगर 303 सीट 2019 में मिला है तो अगला 400 के पार होगा। मोदी को पावर कहां से मिलती है? मोदी को मिलने वाले जन समर्थन के पीछे क्या है? कुछ तस्वीरें आज कैमरे में कैद की। भूपेंद्र पटेल के मंत्रियों ने श्रीमद् भागवत गीता हाथ में लेकर शपथ ली। मंत्रियों के हाथ में रखी गीता के बारे में बीजेपी ने प्रचार नहीं किया, फिर भी मैसेज घर घर तक चला गया। हिंदू वोट नरेंद्र मोदी के पीछे कोई एक दिन में एकजुट नहीं हो जाता। लोग ऐसी तस्वीरें बार बार देखते हैं तभी तो मोदी पर यकीन करते हैं। कर्तव्य पथ पर उतरने से पहले शुरुआत गीता से हो, ये नरेंद्र मोदी ने आज नहीं बल्कि 21 साल पहले डिसाइड किया था। सबूत देखिए। 2001 में नरेंद्र मोदी जब पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तब भी उनके हाथ में गीता थी। 2012 में मोदी जब मुख्यमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ ले रहे थे तब भी उनके हाथ में गीता थी। दामोदरदास मोदी ईश्वर ना नामे सौगंध लौ छु। मोदी ने ये लिगेसी आनंदीबेन पटेल को ट्रांसफर की। 2014 में आनंदीबेन ने भी गीता पर हाथ रखकर शपथ ली थी। भूपेंद्र पटेल सीएम बने तो उनके हाथ में भी गीता थी। मोदी के सामने भूपेंद्र पटेल के सभी मंत्रियों ने गीता पकड़कर शपथ ली। गीता मानव जीवन की सबसे बड़ी मैनुअल बुक है। जीवन की हर समस्या का हल गीता में कहीं न कहीं मिल जाता है। अब प्रभु ने तो स्पष्ट कहा है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मतलब दुष्टों से
मानवता के दुश्मनों से धरती को बचाने के लिए प्रभु की शक्ति हमारे साथ हमेशा रहती है। यही संदेश हम पूरी प्रामाणिकता के साथ दुष्ट आत्माओं असुरों को देने का प्रयास कर रहे हैं। सोचिए, एक नरेंद्र मोदी पिछले 27 साल से गुजरात को गवर्न कर रहे हैं। 1995 में केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री बनाने से लेकर आज भूपेंद्र पटेल को दूसरी बार सीएम बनाने तक इन 27 सालों में मोदी खुद मुख्यमंत्री भी बने, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री भी बने और अब वो मुख्यमंत्री बनवा रहे हैं। हिंदुस्तान की सियासत में किसी भी नेता का ऐसा प्रोफाइल नहीं रहा, किसी भी नेता ने इस तरह लिगेसी ट्रांसफर नहीं की। मोदी सिर्फ सत्ता ट्रांसफर नहीं कर रहे बल्कि लिगेसी ट्रांसफर भी कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस में ऐसी लिगेसी ट्रांसफर नहीं कर पाए। इंदिरा गांधी भी अपनी पार्टी को लिगेसी ट्रांसफर नहीं कर पाए। नेहरू और इंदिरा की लिगेसी उनके अपने परिवार में ट्रांसफर हुई। ज्योति बसु भी लेफ्ट में लिगेसी ट्रांसफर नहीं कर पाए। ज्योति बसु ने बुद्धदेव भट्टाचार्य को सत्ता ट्रांसफर की, मगर बुद्धदेव भट्टाचार्य ज्योति बसु की लेगेसी को आगे नहीं चला पाए। ज्योति बसु ने सीपीएम को तैयार नहीं किया, इसलिए 10 साल के अंदर बंगाल से लेफ्ट का सफाया हो गया। मोदी की टीम, मोदी का फील्ड प्लेसमेंट और मोदी की लेगेसी आपने देख ली। विरोधी क्या कर रहे हैं? क्या विरोधी 2024 में मोदी को वॉकओवर दे देंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी मोदी से भिड़ने के लिए पैदल मार्च कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा से ब्रेक लेकर राहुल गांधी ने भी अपनी टीम का डिस्प्ले किया। शिमला में सुखविंदर सिंह सुक्खू के शपथ ग्रहण का मंच राहुल गांधी ने अपने हिसाब से तैयार कर लिया। हिमाचल जीतने के बाद राहुल की टीम में अब तीन मुख्यमंत्री हैं। तीन मुख्यमंत्री, लोकसभा के 53 सांसद, राज्यसभा के 31 सांसद और देश भर में 771 विधायक। राहुल गांधी की दिक्कत यह है कि कांग्रेस एक राज्य में चुनाव जीती है तो दो राज्यों में उसे चुनाव फेस करना है। 2023 के रण में अगर कांग्रेस बच गई तो उसका स्कोर 3 पर ही रहेगा। अगर कांग्रेस हार गई तो बस हिमाचल प्रदेश में ही सिमटी हुई रह जाएगी। दिल्ली एमसीडी का चुनाव जीतकर अरविंद केजरीवाल भी अपनी टीम दिखा रहे हैं। ममता बनर्जी बंगाल से मेघालय जाकर अपनी टीम बना रही हैं। पटना में जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद बैठक करके नीतीश कुमार अपनी टीम दिखा चुके हैं। हमने सब लोगों को यही सलाह दिया कि मिलजुल करके काम कीजिए, अधिकतर पार्टियों का एक साथ एकजुट हो जाएंगे और जब एकजुट हो जाएंगे तो 2024 में भारी बहुमत से विजयी होंगे, ये हम लोगों का है और हमने लगभग बात कर लिया है। अब कुछ समय के बाद अधिक से अधिक पार्टियां एकजुट हो जाएंगी। अरे कह रहा था कि थर्ड फ्रंट, तो हमने कहा थर्ड फ्रंट कहां, अब अगला बार बनेगा वो मेन फ्रंट बनेगा। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार सब 2024 की तैयारियों में लगे हैं। सबके टारगेट पर नरेंद्र मोदी हैं। अपोजिशन में आ जाओ, उनको बोले किसने रोका है। अपोजिशन अगर इकट आता है तो भी मोदी जी को हराना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। मोदी जी हार नहीं सकते हैं। मोदी जी के साथ हम सब लोग ताकत से खड़े हैं और मोदी जी को हराना ये बिल्कुल संभव नहीं है। और लोकतंत्र में हरेक को अधिकार है, वो इकट आ सकते हैं, हराने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हम भी उनको हराने का प्लान हमारा है। और 2024 में 400 से ज़्यादा सीटें हमारी एनडीए की आएगी, बीजेपी की 350 से ज़्यादा सीटें आएगी और हम सत्ता में आएंगे, नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी को घेरने के लिए नए नए साथी तलाशे जा रहे हैं, मगर जो मिल रहे हैं वो पहले से कमिटेड हैं। अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव ने लोकसभा सदस्यता की शपथ ली तो सबसे पहले जाकर सोनिया गांधी के पैर छुए। डिम्पल और सोनिया गांधी की मुलाकात की तस्वीरें उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसके बाद जो हुआ
उससे। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। कांग्रेस और समाजवादी के सियासी रिश्ते में नया चैप्टर खुल सकता है। अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार के बयान पर कमेंट किया, लेकिन कांग्रेस के बारे में जो कहा उसे गौर से सुनने की जरूरत है। अच्छी बात है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने ये बात कही, यही प्रयास लगातार सभी लीडर चल रहे हैं। शुरुआती दौर पे भी मैंने कहा कि जहां आदरणीय नीतीश कुमार जी इस तरह काम कर रहे हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर साहब वो भी काम कर रहे हैं, आदरणीय ममता बनर्जी जी ने भी कोशिश की, और मैं समझता हूं अगर ये सब बड़े लीडर्स कोशिश कर रहे हैं तो इसका एक रास्ता निकलेगा। लेकिन इस अलायंस में कांग्रेस होगी कि नहीं होगी? देखिए, ये जो लोग अलायंस या जो इस तरह का प्रयास कर रहे हैं, मैं समझता हूँ वो जब बैठेंगे तो उसके लिए रास्ता खुलेगा। लोकसभा में अखिलेश यादव की पार्टी 2 से 3 सांसद तक पहुंची है, जबकि यूपी में बीजेपी 64 पर है। संख्या बल में बीजेपी 20-21 गुना ज्यादा ताकतवर है। अखिलेश को भी कांग्रेस से ही उम्मीद है, लेकिन कांग्रेस खुद ही नाउम्मीद हुई जा रही है। गुजरात चुनाव में 14% वोट शेयर गंवाने के बाद भी उसे होश नहीं आ रहा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।